हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 32 क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, हमने आपको बताया था, दो फॉर्मेट बताए थे कि एक हमने बताया था लेटर टू एडिटर, कि एडिटर को हम किस फॉर्मेट को यूज में करेंगे, और नंबर दूसरा हमने बताया था लेटर टू कंप्लेन। ठीक है, लेटर टू कंप्लेन, ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट हमने कराए थे लास्ट लेक्चर में हमने इनके बारे में हमने बात की थी, और आज इनके हम आपको कुछ दो प्रश्न लिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके आधार पर हमें दो लेटर तैयार करने हैं। ठीक है, दो फॉर्मेट हम कर चुके हैं, लेटर टू एडिटर यानी संपादक को पत्र लिखना, और उसके लिए हमने आपको बता दिया है कि कौन सा फॉर्मेट हम यूज करेंगे, वो सभी में कॉमन है, और लेटर टू कंप्लेन का फॉर्मेट भी हमने कराया है, और उसमें हमने बताया है कि यदि आप कंप्लेन कर रहे हो किसी भी संबंधित विभाग के अधिकारी से, तो उसमें हम किस तरह से कौन से फॉर्मेट को हम यूज करेंगे, ये भी हमने आपको बताया। तो वो फॉर्मेट सभी में लिखने हैं। आज मैं यहाँ दो प्रश्न आपको लिख के बता रहा हूँ, एक एडिटर का और एक कंप्लेन का, और ये दोनों ही, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मेट्स उनमें हमें यूज में करने हैं। तो नंबर एक प्रश्न देखिए एग्जाम में इस प्रकार से आएगा। ठीक है, प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और प्रश्न ये रहा, राइट ए लेटर टू द एडिटर द राजस्थान पत्रिका ठीक है, आपको पत्र लिखना है राजस्थान पत्रिका के नाम, वो एडिटर के नाम जो है कहाँ का, राजस्थान पत्रिका का, और अलवर, और ये है कहाँ का, अलवर का है। ठीक है, आपको करना है कंप्लेंट अगेंस्ट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है, आप मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, बैड कंडीशन मतलब स्थिति, रोड्स मतलब सड़कों की, यानी आपके मोहल्ले में सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। ठीक है, इसके लिए आपको पत्र लिखना है, और वो लिखना किसको है, एडिटर को लिखना है। ठीक है, अब यहां आगे मैंने लिखा है यू आर राहुल शर्मा फ्रॉम बी 144 मालवीय नगर अलवर। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, आपको पता लगा है किसको लिखना है, ये हमें एडिटर को लिखना है। एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है, राजस्थान पत्रिका का है। आपको पता लगा है किसके बारे में लिखना है, द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, ये बैड कंडीशन ऑफ रोड्स ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है ना, कि सड़कों की बुरी स्थिति है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न देखिए, दो प्रश्न लिखा रहा हूँ एक साथ करने हैं आपको, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो बीच में जो लाइन हमारे जो फॉर्मेट में हमें जो तीन लाइनें जो काम करना है वो दोनों में सेम रहेंगी, फॉर्मेट हमें बदलना है, समझ लीजिएगा। ठीक है, 11th क्लास के मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का। एडिटर को लिखा है तो हेडिंग लगाइए कौन सी, एडिटर वाले, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर वाले। ठीक है, यदि ठीक है, अब बीच की जो लाइन है उनमें क्या लिखेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी लिखूंगा यहां पर।
ठीक है ना, उसको सेम यहां लिख देना, ये याद करना पड़ेगा। एक ही मैटर से हम दो लेटर बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। दो चार सेंटेंस हमें बनाकर लिखने पड़ेंगे और वो सेंटेंस मैं आपको बनाकर यहां बताऊंगा, ठीक है, और उन सेंटेंसों को आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो है ये, राइट लेटर, राइट ए लेटर टू द, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल, ठीक है, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल write a letter to the municipal commissioner, यानी municipal commissioner को आपको पत्र लिखना है जयपुर के नाम, ठीक है, complain against the bad condition, the bad condition of roads in your locality, ठीक है। You are, you are, you are Geeta Verma फ्रॉम, ये एड्रेस लिखा हुआ है यहां, फ्रॉम E146 रतन वाटिका जयपुर। ये दो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न समझ लें, म्युनिसिपल बोर्ड की कमिश्नर को आपको पत्र लिखना है, ठीक है, नगर परिषद आयुक्त को, कमिश्नर मतलब होता है आयुक्त, दोनों एक ही हैं, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, यानी आपके मोहल्ले में सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन यहां पे हमें पत्र लिखना है एडिटर को, यहां पर लिखना है अधिकारी को, तो यहां हेडिंग हम यूज में लेंगे किसकी, एडिटर वाली, और यहां इस प्रश्न में हम हेडिंग यूज में लेंगे किसकी, कंप्लेन वाली। समझ में आ रही बात, दोनों प्रश्न एक बार आप नोट कर लें, ठीक है, ये दोनों प्रश्न लिखें। अब बीच में क्या लिखेंगे वो चीजें मैं यहां लिख के आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये मिटाने पड़ेंगे मुझे, समझ में आ रही बात, ये मिटाने पड़ेंगे, और इसके बाद में जो बीच में हम लिखेंगे, दो तीन लाइन जो हम बनाकर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ठीक है ना, वो ये मैं यहां पर बता रहा हूं, हेडिंग देखिए आपको लिखने हैं, मैं यहां लिख के बता रहा हूं, इसके बाद में नहीं लिख के बताऊंगा, ये दो एग्जाम्पल आज मैं करके आपको बता रहा हूं, इसके बाद में आपको तैयार करने हैं, ठीक है, बीच के जो मैटर हैं बस वो लिखाना है मुझे, बाकी आपको ही लिखने हैं। अब भी बात समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं है, दोबारा से सुन लें, प्रश्न एक, इस प्रश्न में हम एडिटर का नाम आ रहा है, एडिटर वाली फॉर्मेट को यूज करेंगे, हेडिंग को यूज करेंगे जो मैंने लिखाई है, इसमें कोई एडिटर का नाम नहीं आ रहा है, म्युनिसिपल बोर्ड के आयुक्त का नाम आ रहा है, तो इसमें कंप्लेन वाली हेडिंग को हम यूज में लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आप दोनों में एक ही है, द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकल, योर लोकेलिटी, ठीक है, बैड कंडीशन है, सड़क टूटी हुई है, उसके ऊपर दोनों में लिखना है, यानी सब्जेक्ट दोनों का एक समान ही लिखना है, उसमें भी और एडिटर वाली में भी और कंप्लेन वाली में भी। अब रही बात बीच में जो मैटर रहेगा, वो भी दोनों में एक समान ही लिखना है, वो अभी इनको हटाने के बाद, इनको मिटाने के बाद मैं लिखता हूं, ठीक है ना, उसके बाद जो बीच में हमने लाइनें खाली रखी हैं उन लाइनों में वो लाइन जो मैं यहां लिख रहा हूं वो लाइन्स आपको लिख देनी है। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, देखिए मिटा दूं मैं इसे, ये मिटाना पड़ेगा, एक ही मिटा रहा हूं, एक पहला ये प्रश्न मैंने मिटाया, और इसकी जगह जो बीच में लिखना है वो आप नोट कर लें एक बार। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं,
ठीक है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी नहीं बैठ रहा है तो आप यहाँ आ सकते हैं स्कूल में, ठीक है ना, ये समझने के लिए। याद करते रहना है, आपको बता देता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 100% एग्जाम में आने वाला है। चाहे आपका सिलेबस 40% ही रखें, 60% रखें, कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। तो आप बीच में क्या लिखेंगे, देखिए बीच में जो भी हम लिख रहे हैं, मैं वो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेम ये उतार देना है आपको, जो खाली जगह है उसके अंदर ये उतार देना है। द बेड कंडीशन ऑफ रॉड्स इन आवर लोकेलिटी, ये सब्जेक्ट है, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, इन आवर लोकेलिटी, आगे देखिए, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, दूसरा सेंटेंस लिखना है, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, ठीक है, इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट द रोड्स ठीक है, इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट द रोड्स आर फुल ऑफ पिट्स, ठीक है, फुल ऑफ पिट्स एंड डिग्स, ठीक है, कि ये बहुत ही ये इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, ठीक है ना, इन आवर लोकेलिटी। जो भी लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जो हम लिख रहे हैं ये हम दोनों लेटर का, एडिटर वाला हो चाहे वो कंप्लेन वाला हो, यदि सब्जेक्ट एक है, यदि बैड कंडीशन ऑफ रॉड के बारे में हमें लिखना है, तो ये मैटर बीच में, हेडिंग के बीच में आपको सेट करना है जो फॉर्मेट हमने आपको लिखाया है, ठीक है ना। आगे लिखना है, देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पीपुल, इसको भी मिटा देता हूं, फिर लिखते हैं आराम से, देयर इज द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर पीपुल इन दिस एरिया, ठीक है, इन दिस एरिया, एरिया के बाद हमने क्या लगा दिया, फिर यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। आगे लिखना है, द रेनिंग सीजन, ठीक है, रेनिंग सीजन जानते हो आप, बारिश का मौसम, द रेनिंग सीजन रोशन द सिचुएशन, ठीक है, रेनिंग सीजन रोशन द सिचुएशन, फिर फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है, सॉरी बाय कॉजिंग, ठीक है, आगे और जोड़ दे थोड़ा सा, आपने लिखा है बाय कॉजिंग वाटर लॉगिंग का मतलब जानते हो, पानी अवरुद्ध हो जाना, द वाटर लॉग्ड, आगे लिखना है फुल स्टॉप लगा के, यहां फुल स्टॉप लगाए, द वाटर लॉग्ड, द वाटर लॉग्ड, ठीक है, वाटर लॉग्ड आपने आगे लिखा है, ठीक है, द वाटर लॉग्ड प्लेस्ड बिकम, ठीक है, द वाटर लॉग प्लेस बिकम ए ब्रीडिंग सीजन प्लेसेस बिकम
ब्रीडिंग, बी आर डबल ई डी आई एन जी, ब्रीडिंग हब ऑफ, हब ऑफ मॉस्क, ठीक है, ब्रीडिंग हब ऑफ मॉस्क्यूट, ठीक है, ब्रीडिंग हब ऑफ मॉस्क्यूट्स, और विच इनवाइट, विच इनवाइट मलेरिया, ठीक है, विच इनवाइट, विच इनवाइट मलेरिया, विच इनवाइट मलेरिया, डेंगू, एटीसी, एटीसी, ठीक है, ये मैटर हुआ बीच का। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको नोट करना है। इसको मैं एक बार इसकी मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, और हिंदी सुनने के बाद में, ठीक है ना, इसको आप समझ लें एक बार ढंग से, अच्छी तरह से इसे समझ लें। उसके बाद में आपको करना क्या है मैं बता चुका हूँ। एडिटर वाले में भी यही यूज लेना है, ठीक है, एडिटर वाले में भी यही यूज लेना है, कंप्लेन वाले में भी यही यूज लेना है, जो भी अंदर वाली लाइन है। हाँ, जरूरी नहीं है आप यही यूज करें, यदि आप कोई और एक दो सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं या इनमें से कुछ हटाना चाहते हैं, नए सेंटेंस इसमें डालना चाहते हैं, तो वो डाल सकते हैं। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है, हम लेटर लिख रहे हैं बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है, कौन सा, बैड कंडीशन ऑफ रॉड्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यही हो, इसकी जगह ये भी हो सकता है, पुअर कंडीशन ऑफ रॉड्स, ठीक है, अब जरूरी नहीं है यही है, ये भी हो सकता है, ठीक है, मिजरेबल कंडीशन ऑफ रॉड्स, ठीक है, यानी तीनों हैं, कोई सा भी हो, बात एक ही है, ये आप ध्यान रखें। कभी ये कहें साहब आपने बैड कंडीशन ऑफ रॉड लिखाया था, एग्जाम में आ गया है मिजरेबल कंडीशन ऑफ रॉड, ये तो हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है, बैड मतलब बुरा, मिजरेबल मतलब दयनीय, और पुअर मतलब भी घटिया या बुरा। तो कोई भी आए, सड़क के बारे में आए कि सड़कें टूटी हुई हैं मोहल्ले में, अब आप उसे एडिटर को लिख रहे हैं, या उसे आप किसी सरपंच को लिख रहे हैं, या म्यूनसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात आ रही है समझ में। ये तीनों, मिजरेबल, बैड या पुअर, ये तीनों सिमिलर वर्ड हैं, कोई सा भी एग्जाम में आए आप ये ना समझें कि सर आपने बैड कंडीशन लिखाया था, अंतर यहां है, यहां पर यदि बैड आया है तो हमने बैड लिखा है, पुअर आता तो पुअर लिख देते, मिजरेबल आता तो हम यहां पर क्या लिख देते, मिजरेबल लिख देते, ठीक है, बात आ रही है समझ में, ये याद करने पड़ेंगे। यदि एग्जाम में बैड कंडीशन ऑफ रॉड्स, मिजरेबल कंडीशन ऑफ रॉड्स या पुअर कंडीशन ऑफ रॉड्स पर कोई भी लेटर पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी को भी पूछा जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास मैटर ये है, हमारे पास मैटर उपलब्ध है, आप इसे यूज में कर सकते हैं, ठीक है। एडिटर को आता है, अंतर यह है, यदि एडिटर को आता है तो हेडिंग एडिटर वाली प्लेस कर देंगे, ठीक है, लेकिन यदि एडिटर को नहीं आता, किसी अधिकारी को आता, अब जरूरी नहीं है म्यूनसिपल कमिश्नर को ही आए, सरपंच को आता है तो सरपंच लिख दें, कलेक्टर को आता है तो कलेक्टर लिख दें, जो भी आ रहा है, चेयरमैन को आ रहा है चेयरमैन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेडिंग कौन सी लगाएंगे, कंप्लेन वाली लगाएंगे। आ रही है मेरी बातें समझ में, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे लें। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दो फॉर्मेट हमने लिखे हैं, यदि आपने मेरा वीडियो पहले का नहीं देखा है तो उसे देखें, उन्हें लिखें अपनी कॉपी में, नोट करें, नोट करने के बाद वो याद करनी है, ठीक है। और एडिटर की हेडिंग के बीच में जो खाली जगह है उसमें ये लिख देना है, बैड कंडीशन ऑफ रॉड सब्जेक्ट में लिख देना है, और यदि कमिश्नर को है म्यूनसिपल बोर्ड के, तो म्यूनसिपल को उसमें हेडिंग लगानी है कंप्लेन वाली, आपको ये लिखना है,
ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं होता है वीडियो में, 25-30 मिनट का वीडियो होता है, आप लिखेंगे तो फिर वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, बात आ रही है समझ में, ठीक है, बात आई समझ में। आगे देखिए, अब इसकी मैं हिंदी करके आपको बता रहा हूं, थोड़ा एक बार हिंदी देख ले। जो सब्जेक्ट की जगह आप शुरू में जहां से खाली लाइन, अपन को कुछ नहीं जोड़ना है, ध्यान रखें हमें कुछ नहीं जोड़ना है, केवल ये है हमने यहां लिखा है द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन अवर लोकेलिटी, ठीक है ना, बुरी स्थिति सड़कों की हमारे मोहल्ले में, लोकेलिटी अवर लोकेलिटी मतलब हमारे मोहल्ले में, ठीक है ना। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, ये ध्यान दे ले, हमने लिखा है इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट कि ये विषय है अत्यधिक रिग्रेट का, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप का, ठीक है, ये मैटर है किसका, रिग्रेट का। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा अभी, और ये मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं फ्लाइट मोड पे कर दूँ एक बार, हाँ अब ठीक है, अब देखिए, अब देखिए बार बार बज रहा था ये, ओके नाउ स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोबारा, देख लीजिए मैं हिंदी बता रहा था आपको, मैंने कहा द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी कि बुरी कंडीशन हमारी सड़कों, बुरी कंडीशन सड़कों की हमारे मोहल्ले में, लोकेलिटी मतलब मोहल्ला। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट कि ये विषय है बहुत ही शर्म का, ये विषय किसका है, अत्यधिक शर्म का है, शर्म आनी चाहिए। That the roads are full of pits and dicks in our locality. Locality के बाद full stop लगाना है। That the roads की सड़कें are full की वो भरी हुई हैं, pits and dig मतलब होते हैं खड्डे, छोटे बड़े जो खड्डे होते हैं उन्हें pits and dig कहते हैं, in our locality हमारे मोहल्ले में, कि हमारे मोहल्ले के जो सड़क हैं उनमें खड्डे हो रहे हैं, छोटे बड़े खड्डे पड़ रहे हैं, और ये विषय बहुत ही किसका है, पश्चाताप का है। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पीपुल इन दिस एरिया, और इनसे बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी ये समस्या है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। द रेनिंग सीजन, ठीक है, एरिया के बाद में यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, ये फुल स्टॉप का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, गलती नहीं करनी है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद आपको पता है हमने बताया है कि पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, आगे हमने लिखा है द रेनिंग सीजन रॉजन द सिचुएशन बाय कॉजिंग वाटर लॉगिंग, ये कहता है कि बारिश का मौसम, रेनी सीजन मतलब होता है बारिश का सीजन, रॉजन मतलब और ज़्यादा बिगाड़ देता है, बिगाड़ देना, द सिचुएशन मतलब स्थिति को, बाय कॉजिंग वाटर लॉगिंग यानी पानी भर जाने से, कॉजिंग मतलब कारण से, वाटर लॉगिंग मतलब होता है पानी अवरुद्ध हो जाना, पानी भर जाना, पानी रुक जाना, कि जो खड्डे पड़े हुए हैं सड़क पर जब बारिश होती है तो उनमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, लॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना है द वाटर लॉक्ड प्लेसेस बिकम द ब्रीडिंग हब ऑफ मॉस्क्यूट्स, ठीक है ना, मॉस्क्यूट की मीनिंग चेंज कर ले, मॉस्क्यूट की मीनिंग चेक कर लेना आप, MOSQUITES मॉस्क्यूट्स मतलब होते हैं मच्छर, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है द वाटर लॉग्ड प्लेस, और जो जहाँ पर पानी भरे हुए स्थान, वाटर लॉग्ड मतलब जहाँ पानी भरा हुआ है, और प्लेस मतलब होता है स्थान, बिकम द ब्रीडिंग हब, ठीक है ना, ब्रीडिंग हब मतलब होता है प्रजनन का केंद्र, ब्रीडिंग मतलब होता है प्रजनन, बच्चे उत्पन्न करना, कि वो ब्रीडिंग हब बन गया है, प्रजनन का केंद्र बन जाता है, किनके, मच्छरों का, कि जहाँ पानी भर जाता है गड्ढों में तो वहाँ मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर बच्चे करते हैं, बच्चे मच्छर, बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं, विच इनवाइट मलेरिया डेंगू ETC, और जो आमंत्रित करते हैं किसका, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को, और बहुत सारी बीमारियों को। यहाँ पे फिर फुल स्टॉप हमें लगा देना है, तो ये है आपका बीच का थोड़ा सा मैटर, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा ही लिखना पड़ेगा, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसमें आप चेंज कर सकते हैं यदि आप चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक दो सेंटेंस इसमें आप बदल सकते हैं, ठीक है, और इसके आधार पर इसको हम बीच में, हेडिंग के बीच में इसे डाल देंगे तो हमारा लेटर बन जाएगा लेटर टू एडिटर का, और यदि हम इसे कंप्लेन वाले में डाल देंगे तो हमारा लेटर बन जाएगा कंप्लेन वाला, ठीक है। दो फॉर्मेट किए हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में, फिर मैं बता रहा हूं, ये याद करना पड़ेगा, ये जॉब एप्लीकेशन की तरह नहीं है,
जॉब एप्लीकेशन की तरह नहीं है कि एक जॉब एप्लीकेशन के लिए मैंने 5-7 आपको सेंटेंस लिखा दिए, कोई सा भी लिख देना, ऐसा नहीं होगा। सब में ऐसा नहीं होगा, केवल ये दो प्रॉब्लम करेंगे आपको, एक एडिटर वाला और एक कंप्लेन वाला। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए कि ठीक है ना, एक ही मैटर से हम दो लेटर लिख सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। जैसे बैड कंडीशन ऑफ रॉड्स है, अभी हम लिखेंगे यहाँ वाटर सप्लाई के ऊपर, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर के ऊपर, ठीक है ना, इन रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स के ऊपर। तो चाहे आप उसे एडिटर को लिखें या किसी अधिकारी को लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच का मैटर वही रहेगा, लेकिन एक मैटर से दो ही लिख सकते हैं, दो से ज़्यादा हम लेटर नहीं बना पाएंगे। तो ये याद करना पड़ेगा हर दो लेटर के लिए। अब आज हमने आपको लिखाया है बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, पुअर बोल दें या मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स बोल दें, ये कहीं भी परीक्षा में आए, किसी भी परीक्षा में आए, आपको इसके लिए ये याद करना पड़ेगा। अब ये एडिटर वाला आता है तो एडिटर वाली हेडिंग है इसमें प्लेस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, और यदि ये किसी कंप्लेन में आता है तो हम कंप्लेन वाली हेडिंग लगा कर इसे लिख देंगे, 100% सही होगा दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं हिंदी बता रहा हूँ, यदि यहाँ मीनिंग्स प्रॉब्लम आपको हैं, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, रॉड्स मतलब होते हैं सड़के, आवर लोकेलिटी मतलब हमारे मोहल्ले में, ठीक है। आगे देखें, इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, मतलब ये एक विषय है बहुत ही शर्मनाक या शर्म का, दैट द रॉड आर फुल ऑफ पिट्स एंड डिग, कि हमारी जो सड़कें हैं वो भरी पड़ी हैं गड्ढों से, खाइयों से, इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ पीपल इन द एरिया, और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या होती हैं इस क्षेत्र के लोगों को। देयर इज ए, ठीक है ना, द रेनिंग सीजन रोजन द सिचुएशन बाई कॉजिंग वाटर लॉगिंग, और ये कहता है कि बारिश की स्थिति, बारिश का मौसम रोजन मतलब बिगाड़ देता है, सिचुएशन मतलब स्थिति को, कॉजिंग मतलब कारण से, वाटर लॉगिंग मतलब होता है पानी अवरुद्ध हो जाने से। द वाटर लॉग प्लेसेस बिकम द ब्रीडिंग हब ऑफ मॉस्क्यूट, और ये कहता है वाटर लॉग प्लेस यानी पानी भरा हुआ स्थान वो ब्रीडिंग हब बन जाता है, ब्रीडिंग हब का मतलब होता है प्रजनन का केंद्र ऑफ मॉस्क्यूट, मच्छरों का, विच इनवाइट मलेरिया, डेंगू, ETC, और जो आमंत्रित करता है विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मलेरिया, डेंगू आदि के लिए। ठीक है, बात आ रही है समझ में? फिर मैं बोल रहा हूँ, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इन्हें समझेंगे, बिल्कुल याद उन्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो लेटर और आपको लिखाएंगे, अभी फॉर्मेट नहीं है कि ये 10-12 लेटर मैं आपको लिखाता हूँ, ये एडिटर वाला और कंप्लेन वाला, उसके बाद में हमारे 3 फॉर्मेट और बचे हुए हैं, बहुत आसान है, बस ये याद करने आपको, उनमें कुछ याद नहीं करना, जो मैं कहूँगा वही याद करना है, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, बहुत सिंपल है, बहुत, ठीक है। इस तरह से हमारे लेटर बनेंगे, बात आई समझ में? 1 से 2, इससे अधिक नहीं कर सकते। अब बैड कंडीशन ऑफ रोड आ जाए, पुअर कंडीशन ऑफ रोड आ जाए, मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस ये याद करना है, उसके लिए ये पर्याप्त है, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर है हमारा 32। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 में हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की, नेक्स्ट दो लेटर और हम आपको बताएंगे, एक मैटर और आपको देंगे, उसके आधार पर हम और दो लेटर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।